नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल और दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि मालूम है, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे उसका नाम है ट्रैवल विद राहुल शिवी। जो है कि राहुल मेरा नाम है और मेरी वाइफ का नाम जो है वो है शिवानी, उसको जो है शॉर्ट में मैंने जो है शिवी इसमें लिखा है। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पे कहाँ से जर्नी हम लोग की शुरुआत हुई और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े और कैसे कैसे भगवान की जो है प्रभु की इच्छा से हमारा जो चैनल है वो आगे जाके हम कुछ ही दिनों पहले ही जो है मोनेटाइज हुआ है। और कैसे मोनेटाइज हुआ, क्या उसका प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, जो है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों एक बार जान लीजिए, यूट्यूब पे अधिकतर जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं और जो भी ऐसे टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं उनको मैंने अक्सर देखा है कि झूठ बोलते हुए, जो कि बातों को केवल ना उसको जो है घुमाते हैं, वो जो सच्चाई नहीं बताएगा। कोई भी आपको सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मेरी बात अगर आपने एक बार सुन ली तो वो आपको बात हमेशा याद रहने वाली है। और दोस्तों इसी उस पर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जून का महीना था और जो साल था 2022 का, तब से हमने जो है वीडियो की स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले जो है हमें जो है आइडिया आया, ऐसे ही एक आइडिया आया, हमें कुछ ये नहीं था कि हमें इससे पैसे कमाने हैं या कुछ ऐसे, पहले कुछ भी नहीं था। तो ये है कि एक जैसे इंटरेस्ट क्लिक किया, एक जैसे अपने नहीं आदमी करता है मस्ती मजाक में, या एक अपना जैसे मतलब जैसे कि मतलब कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उससे पैसे कमाएंगे। तो ये जो है जून से स्टार्ट किया हमने पिछले साल, और दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पहले महीने यानी कि जून के महीने में। और क्या बोलते हैं, जुलाई तक हमारे 1 मिलियन व्यू भी हो गए, मतलब कि जो हमारे 10 लाख व्यू थे वो 1 महीने के अंदर आ गए। तो हमारा और इस पर इंटरेस्ट बढ़ा, आगे इस पर नॉलेज मिली कि भाई इससे शॉर्ट वीडियो से भी जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। और इसमें जो है शॉर्ट फंड आता था उस समय, अब तो बंद हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो रीच है, जो भी जो व्यूज़ है, उसके बाद थोड़े कम होने लगे। मतलब कि जुलाई के अच्छा आया, फिर अगस्त और सितंबर के आधे, फिर जैसे भी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बहुत ही व्यूज़ जो है धीरे धीरे बहुत ही हल्का स्लो डाउन हो गया। और हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा निराश हो गए कि कैसे क्या होगा। और हम लोग जो इतने बड़े जहाँ कॉम्पिटिशन का टाइम चल रहा है यूट्यूब पर, हम लोग जैसे कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे क्या होगा। तो दोस्तों जैसे मतलब मैं आपको एक बार बता दूं कि YouTube पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप YouTube को छोड़ दीजिए। और जो लोग ये कहते हैं हमेशा कितना पैसा आया कि कितना कमा रहे हो, कितना कमा, लाखों रुपये आ रहे हैं, तो दोस्तों एक बार बता दूँ, कोई भी बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं देता। और यूट्यूब पर जहाँ हर आदमी चाह रहा है कि मैं वीडियो बना के डाल दूँ, तो वीडियो बना के उठा के कोई भी वीडियो डाल देने से आपकी वीडियो से पैसे नहीं आने लगते हैं। उसके लिए जो है हर चीज़ का एक जो है एक क्या बोलते हैं नियम फॉलो करना होता है। नियम क्या होता है कि कंटिन्यूटी, आपने एक वीडियो डाल दिया, एक वीडियो एक हफ्ते बाद डाला, तो यूट्यूब का ये एल्गोरिथम नहीं चलेगा। आपको यूट्यूब पे हमेशा कंटिन्यू बने रहना है। अगर आप जैसे यूट्यूब पे रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, जनता आपको देख रही है, आपको समझ रही है, धीरे धीरे आपको पहचान रही है, तो वो आपको आगे ले जाता है, ना कि आपने एक वीडियो आ डाला, एक वीडियो एक महीने बाद, फिर 2 महीने बाद। तो YouTube का पहला फॉर्मूला है कि आप इसमें कंटिन्यूएशन रखें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए अपने वीडियो में दो चीज़ का ध्यान रखिए कि वीडियो साफ रहे, मतलब कि कोई आड़ा तिरछा चीज़ मत दिखाइए, जो भी कीजिए साफ, मतलब कि इन द सेंस एक तो आपका एक अगर आपके पास पॉसिबल हो, जहाँ तक हर इंसान के पास नहीं पॉसिबल है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कैमरा क्वालिटी मतलब आपका जो फोटो पिक्चर जो भी आया वो जो है साफ होना चाहिए। अगली बात यह है कि आपका वॉइस जो है, आवाज़ जो आपकी एकदम साफ साफ होनी चाहिए, उसमें कुछ जो है घुचड़ पुचड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूँ, कोई भी पब्लिक है तो वो अच्छी चीज़ देखना चाहती है, अच्छी चीज़ नहीं होगी तो उसको स्किप कर देगी। एक बात और बता दूँ दोस्तों आपको कि कई लोग जो है YouTube पे आ तो जाते हैं लेकिन उनको YouTube का ABCD नहीं मालूम होता, फिर भी देखते हैं कि वो हिट हो जाते हैं। कैसे हिट होते हैं दोस्तों, YouTube का तो मैं क्या कहूँ, आजकल लोग जो फेमस होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जो है YouTube जो डिमांड कर रहा है, मतलब कि जैसा जैसा YouTube पे चल रहा है वैसे वैसे आपको भी अपने
जो है अपने आप को ढालना है, आप केवल अपने ही बात को अपना ही मतलब अपना ही हर चीज़ उसमें नहीं लगाते चले जाए, मतलब कि आप अपनी ही चीज़ को, ये नहीं कि आप अपनी चीज़ को उसमें घुटेले पड़े हैं। क्या पब्लिक की डिमांड है, क्या पब्लिक आपको देखना चाह रही, किस रूप में देखना चाह रही है, पब्लिक से भी आप जो है इंटरेक्शन कीजिए, पूछिए। और जो आप जिस फील्ड में माहिर है, जैसे आपको खाना बनाना अच्छा आता है तो आप जो है कुकिंग कर सकते हैं, आपको कॉमेडी अच्छी आती है तो कॉमेडी कर सकते हैं, आपको मिमिक्री अच्छी आती है, कोई भी, आपको पेंटिंग अच्छी आती है, जो आपका हुनर है, जो आपका इनसाइड जो टैलेंट है, भगवान ने आपको जो गॉड गिफ्टेड है वो कीजिए। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे 6-8 महीने बाद भी मेरा जो मैं आपको बता रहा था कि यूट्यूब चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा था, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ जो है निराश हो गए, हमने जो है बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा भी कुछ होगा, लेकिन दोस्तों उम्मीद छोड़ी थी, हिम्मत नहीं छोड़ी थी, और माँ बाप का आशीर्वाद था, आशीर्वाद के सहारे और उन लोगों की दी हुई हिम्मत कि हमने, चाहे हम जो सुख में रहे चाहे दुख में, चाहे खाने खाया चाहे नहीं खाया, चाहे सोए चाहे नहीं सोए, रोज़ हमने अपने 15 से 20 वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, निश्चित निश्चित जो है 10 से 15 वीडियो, एवरेज जो है 10 हमारे शॉर्ट वीडियो, 3 से 4 हमारे लॉन्ग वीडियो, ये हमारे रोज़ वीडियो जो है आते थे यूट्यूब पे, और उसी का नतीजा है कि आज मेरे चैनल को मोनेटाइज हो गया है मेरा चैनल। और दोस्तों मोनेटाइज करने का, कोई कहता है कि पहले आपको एक तो ये है कि 6 महीने पुराना आपको चैनल होना चाहिए, पहली बात तो वो है, वो चलिए हटा दीजिए। फिर आपको वेरिफिकेशन, मतलब आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाइड होना चाहिए, वो भी हो गया, OTP के थ्रू होता है। फिर आपका जो है आपका एक एडसेंस अकाउंट होता है, वो भी क्रिएट कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल आप अपनी वीडियो डालते हैं, किसी और का उठा पीट के काट पीट के नहीं डालते हैं, अपनी वॉइस, अपनी आवाज़, अपना वीडियो, सब कुछ आपका अपना है, तो YouTube आपका मिनटों में, मतलब 24 से 48 घंटों में आपका चैनल को मोनेटाइज कर देता है। यूँ आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया, मेरा तो 24 घंटे में हो गया, बताइए आप मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे ना, महीनों कहते हैं, इसमें लिखा रहता है इट विल टेक 7 days to 1 month, लेकिन मेरा चैनल को 24 घंटे लगे मोनेटाइज होने में। एप्लीकेशन जब आखिरी जो होता है ना, जो चौथा ऑप्शन आता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, चौथा ऑप्शन आता है एप्लीकेशन सबमिशन का, तो मुझे मात्र 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे में ही हो गया था शायद, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 48 या 30 घंटे 35 घंटे में हो गया। तो दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपका साफ सुथरा वीडियो है, साफ सुथरा मतलब कि आपका वीडियो में सब कुछ आपका अपना है, एक तो खुद की क्रिएशन होनी चाहिए, जो है अपना होना चाहिए, दूसरों को काट पीट के लगाएंगे तो जो है यूज कंटेंट का आ जाएगा आप पे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा YouTube दोस्तों बेसिकली आपकी मेहनत को देखता है, जो बंदा मेहनत करता है उसको YouTube उठा देता है, जो नहीं करता है उसको पटक देता है। और एक बात याद रखिएगा, बहुत ही समय मार्केट में जो गंदा चीज़ चल रहा है, क्या चल रहा है कि 5,000 ले लो चैनल को मोनेटाइज करो, 10,000 ले लो चैनल को एक दिन में मोनेटाइज करो, अरे पागल, पैसा दे के पैसा खरीदना चाहते हो तुम, ये कभी हुआ है आज तक, ये कभी पॉसिबल हुआ है, आप बताओ, पैसा देके पैसा खरीदना चाहते हो, ऐसा कैसे हो जाएगा ये बताओ, ये सब पागलपन ढोंग धप्पा पे। ये जो आए हैं जो टेक्निकल जो बाबा बने हैं आजकल, जो गुरु जी जो ज्ञान बांटते फिर हैं, ये भी चैनल को मोनेटाइज करा रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, वैसे तो बहुत ही आप जो है ज्ञान की बातें करते हैं, चैनल जो आप जो पैसे लेके मोनेटाइज करा रहे हैं, ये सब जो बेवकूफ़ी काम मत कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंप्यूटर पे आप 100 लोगों के कंप्यूटर पे आपने वीडियो को चलाया, ऐसे नहीं होगा, देखिए जब तक आपका खुद से लोग वीडियो नहीं देखेंगे, खुद से लोग वीडियो, आप अच्छा अच्छी बनाइए, अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छी वीडियो बनाइए, तभी आपका वीडियो मोनेटाइज होगा, सॉरी चैनल मोनेटाइज होगा, तभी आपकी वीडियो को लोग देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों कोई भी फ्री में पैसे नहीं बांटता, ये बात को जान लीजिए। और इस बात में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि YouTube पे अगर आपको फेमस होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। और अपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए, अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात कीजिए, यूट्यूबर्स को साथ में लेके चलिए, दूसरे यूट्यूबर से जलिए मत कि उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, तो आप लोग साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा चले गए तो हमें जलन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आप लोग एक ही फैमिली से हो तो कोऑपरेशन करोगे तो और ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, कोऑपरेशन की भावना बहुत अच्छे से होनी चाहिए इसमें, यूट्यूब पे आगे बढ़ना है तो। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यूट्यूब पे पैसा कमाना बहुत ज़्यादा कठिन है अगर आप मेहनत नहीं करना जानते हैं तो।
छोड़ दीजिए यूट्यूब अगर आपसे मेहनत नहीं होती तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें भाई, 2 दिन का बच्चे का खेल नहीं है। ठीक है, छठी का दूध याद आ जाता है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि छठी का दूध याद दिला देंगे, तो वही छठी का दूध याद आ जाएगा जब आप यूट्यूब के पछड़े में पड़ेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि मोनेटाइज होने, फॉर्म सबमिशन और ये गूगल पिन और हई हाउ पिन, जितने भी अगड़म बगड़म सब कुछ आपका मात्र कुछ ही दिनों में हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप अपना कंटेंट अच्छा रखिए, चैनल मोनेटाइज गारंटी से होगा, वीडियो वायरल भी होगा, कंटिन्यूशन बना के रखें, अच्छा कंटेंट डालिए, लोगों के हिसाब से डालिए, मार्केट में क्या चल रहा है नया वो डालिए, अलग अलग चीज़ें डालिए, अपनी बुद्धि यूट्यूब के ऊपर मत थोपिए ज़्यादा, जो है वो तो अपनी अपनी सोच भी रखिए, ऐसा नहीं कि अपनी सोच को दबाइए, लेकिन जो मार्केट में लोग मांग रहे हैं उसको डिमांड को पूरा कीजिए। दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं यही कहूँगा कि चैनल मोनेटाइज कराना अलग बात है, लेकिन ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको वीडियो को देखें। अरे आपकी वीडियो को देखेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, ये कंप्यूटराइज के थ्रू पैसे के थ्रू चैनल मोनेटाइज करा के कोई मोनेटाइज हो भी गया तो आपको आपको उसके बाद कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। फिर आपकी जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसे कहाँ से मोनेटाइज कर लिए, फिर क्या होगा, नहीं आएंगे भी। तो वही बात है, बात को समझिए, चैनल को मोनेटाइज होने से पहले अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अच्छा कंटेंट बनाइए ताकि वीडियो को आपके लोग देखें, इसी से आपकी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसी से आपका चैनल मोनेटाइज होगा, इसी से आपकी आमदनी आएगी। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों मैं ऐसे ही आपको 5-6 जो है टेक्निकल वीडियो अच्छे अच्छे बताऊंगा यूट्यूब के बारे में, जो आपको नॉलेज देंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जो नए नए यूट्यूबर हैं मेरे भाई बहन, कि वो आगे बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार, बाय।